गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए अपना बैग कलेक्शन, और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ ये वीडियो में शेयर करूँ। तो ज्यादा कुछ मेरे पास बैग तो नहीं है, लेकिन जितने हैं तो वो काफी हैं। और अभी मेरे पास मतलब लगभग मेरे हिसाब से काफी बैग अवेलेबल है। आप लोगों के हिसाब से कम बैग्स होंगे, पर मेरे हिसाब से ये मुझे बहुत काफी ज्यादा बैग्स लगते हैं और मुझे बैग लेना बहुत पसंद है। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि मतलब कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि किस ड्रेस पे कैसा बैग कैरी करूँ। तो आज मैं आप लोगों का वही सॉल्यूशन सॉल्व करने आई हूँ। तो चलते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, तो चलते हैं। तो यहाँ पे ये सबसे पहला छोटू सा बैग है जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है, और ये लाइट येलो कलर का है, तो ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और ये इसमें ये लॉन्ग ऐसा बेल्ट भी आ जाता है साइड में डालने के लिए, और ये हम इजीली है हाथ में भी कैरी कर सकते हैं, तो इसलिए ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और ये हम जीन्स वगैरह पे कैरी कर सकते हैं और शॉर्ट ड्रेस पे भी कैरी कर सकते हैं, काफी अच्छा लुक देता है। मेरे पास पिक्स नहीं है, वरना मैं वो साइड में लगाती हूँ, दिखाती हूँ कि कैसा लुक देता है। तो ये इसका लुक्स ऐसा कुछ आता है, ये हम मिनी ड्रेस पे भी ले सकते हैं। और गाइस इसका प्राइस है ओनली 1000। ये मैंने मॉल से लिया था जब मैं भोपाल गई थी, तो मैं भोपाल से खरीद के लेके आई थी। मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था क्योंकि मुझे छोटे बैग बहुत पसंद आते हैं। ये मैंने डीवी मॉल से लिया था और ये मुझे एक ही बार में देख के ही पसंद आ गया था, क्योंकि मेरे पास ऐसे बैग हैं भी नहीं है, तो मैंने ये बैग ले लिया था। अब बारी आती है दूसरे बैग की। तो दूसरा बैग है ये पोटली है, जो कि मैंने यहीं से ही अपने लोकल मार्केट से ली थी, और ये पोटली काफी ज्यादा सुंदर है। और इसके गाइस सच में बहुत चीप प्राइस है, तो ये मुझे मिली थी 200 में। सच में गाइस ये मुझे 200 में मिली थी और मैंने जल्दी से इसको परचेस कर लिया था, क्योंकि ये काफी ज्यादा प्यारा लुक देती है। मैंने ये बहुत बार्गिंग करके 200 में ली थी, वो 500 बता रहा था, पर जब तक हम बार्गिंग ना करें तो हम लड़कियां किस काम की। तो मैंने ये बार्गिंग करके ली थी। और ये हम खास तौर पे बेडिंग में जाते हैं, लहंगे वगैरह पे कैरी करते हैं, साड़ी पे भी कैरी कर सकते हैं, बहुत प्यारा लुक देता है ये। आप एक बार ये पोटली जरूर अपने पास रखें अपने पास कलेक्शन में, क्योंकि ये पोटली का बहुत यूज होता है। हम अपने हैवी लहंगों के साथ कैरी कर सकते हैं और साड़ियों पे भी कैरी कर सकते हैं। तो मैं पास से दिखा देती हूँ, ये कुछ ऐसी है और स्पेस भी इसमें कुछ काफी ज्यादा है, और ये ऐसा कुछ बेल्ट है इसका, तो ये बहुत प्यारी लगती है और जब हम कैरी करते हैं तो बहुत अच्छा लुक आता है इसका। तो अब बारी है थर्ड बैग की। तो ये थर्ड बैग कुछ मैंने ऐसा लिया था पार्टी के लिए, पार्टी वियर बैग है, और मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। तो गाइस इसमें अभी 50 रुपीज रखी हुई, 900 रुपीज इसमें रखी हुई है। तो ये भी मैंने अपने लोकल मार्केट से लिया था। तो सॉरी गाइस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी बोलने में। तो अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट बैग की तरफ। तो नेक्स्ट बैग का मतलब कुछ अपने में खासियत है, क्योंकि मैं इतना महंगा बैग कभी ले नहीं सकती, सोच नहीं सकती, बट मैंने कैसे ले लिया मुझे। तो गाइस मैंने पता नहीं ये बैग कैसे ले लिया था, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ये बैग लूंगी। मैंने इसमें वॉइस ओवर की है, क्योंकि मैंने जब इसको सुना ना तो पीछे से बहुत आवाज आ रही थी, तो इस वजह से मैंने इसकी वॉइस ओवर की है। और मैंने इसको बंद इसलिए नहीं किया क्योंकि और मेरे घर में बच्चे वगैरह जाना है, तो इस वजह से ना कि मतलब बैग में बहुत आवाज आ रही थी, तो इस वजह से मैंने वॉइस ओवर किया है। इसको कट इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर मतलब जो वीडियो बनाई थी फिर वो मतलब सारी ही जा रही थी, सारी क्रॉप हो रही थी, तो इस वजह से मैंने इसको रख लिया।
और बाकी ये बैग कुछ ऐसा है, बहुत प्यारा बैग है, बहुत देखने में भी काफ़ी सुंदर है और काफ़ी प्रिटी लगता है पार्टी शादी वगैरह में ले जाने के लिए। बहुत अच्छा बैग है, शॉर्ट ड्रेस पे भी बहुत प्यारा लगता है ये। मतलब मेरे सारे बैग में यही सबसे महंगा है और बाकी सब तो मतलब मीडियम है कि मैं परचेस कर सकती हूँ। ये कुछ ज़्यादा ही महंगा है तो फिर भी मैंने ले लिया था। एक बैग तो महंगा मतलब रहना ही चाहिए हमारे बैग कलेक्शन में। मैंने परचेस कर लिया था और मैंने क्यों परचेस किया था क्योंकि भाई कहीं अच्छी कहीं रिच रिच जगह पे जाओ तो भाई थोड़ा मतलब हमें भी रिच दिखना चाहिए, तो मैंने इसलिए ये बैग लिया था। तो ये बैग मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, हमेशा इस बैग को मैं संभाल के रखूँगी क्योंकि खुद की पैसों से खुद की कमाई से इतना महंगा बैग लेना तो भाई कौन नहीं चाहेगा संभाल के रखना। तो ये मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है और ये मैंने कई बार लिया हुआ भी है शादी पार्टी वगैरह में। तो चलते हैं नेक्स्ट बैग की तरफ। नेक्स्ट बैग है ये, तो ये भी काफ़ी प्यारा बैग है और ये भी मैंने लोकल मार्केट से लिया हुआ है। मेरे काफ़ी बैग लोकल मार्केट के हैं क्योंकि हम इतने मतलब इतनी मॉल वगैरह से इतने बैग नहीं ले सकते हैं और मैं लोकल में ही रहती हूँ, मतलब मैं लाइटपुर में रहती हूँ तो मैं मॉल वगैरह यहाँ पे इतने मॉल वगैरह है नहीं कि हम लोग मॉल से शॉपिंग करें मॉल से लें। तो ये भी मैंने लोकल मार्केट से लिया था और ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। ये भी हम इसमें भी कुछ ऐसा बेल्ट दिया हुआ है और काफ़ी अच्छा लुक है इस बैग का और इसको लेके काफ़ी अच्छा लुक आता है। ये भी हम साड़ी ड्रेस जीन्स वगैरह पे किसी पे भी कैरी कर सकते हो, काफ़ी अच्छा बैग है। और इसका प्राइस मुझे ज़्यादा याद नहीं है क्योंकि मैंने ये मतलब इसके साथ बहुत सारी शॉपिंग की थी तो मुझे याद नहीं आ रहा है इसके प्राइस। तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर बैग है, इसका कलर भी बहुत प्यारा है। तो चलते हैं नेक्स्ट बैग की तरफ। तो नेक्स्ट बैग है ये, तो ये भी मैंने मॉल से खरीदा था, ये मैंने झांसी से लिया था और काफ़ी अच्छा बैग है। इसे हम इजीली ड्रेस पे, ब्लैक बैग तो जरूर होना चाहिए हमारे कलेक्शन में, वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्रेस ऐसी होती है कि जिन पे हम ब्लैक बैग ले लेते हैं तो किसी भी ड्रेस पे चल जाता है। तो एक ब्लैक बैग होना भी बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट ड्रेस वगैरह पे ऐसे बैग लोना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देता है और काफ़ी अच्छा मतलब हमें भी दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसमें दो चैन ऐसी दी हुई हैं तो स्पेस भी इसका काफ़ी अच्छा है, हमारा बहुत सा सामान इसमें बन जाएगा। तो इस बैग का कुछ ऐसा लुक है, मैं पास से दिखाती हूँ, बहुत अच्छा बैग है ये। अब मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट बैग। तो ये मैंने अभी न्यू लिया है, इसका टैग भी अभी नहीं निकला है, तो ये मैंने न्यू बैग लिया है, इसका बेल्ट कुछ ऐसा है। तो काफ़ी बैग मेरे ऐसे होंगे जिसमें बेल्ट होगा क्योंकि मैं जीन्स टॉप ड्रेस वगैरह ज़्यादा पहनती हूँ तो मुझे इस पर कैरी करने पड़ते हैं। तो मैं जो भी बैग लेती हूँ मैं सोच समझ के लेती हूँ कि मेरे भाई मतलब मैं ड्रेस पे भी ले सकूँ, लहंगों पे भी ले सकूँ और इजीली मेरी जीन्स टॉप पे भी चले जाएँ और शॉर्ट ड्रेस पे भी चले जाएँ। तो ये कुछ ऐसा है, पास दिखाती हूँ मैं, इसका टैग अभी नहीं निकला हुआ है। तो ये भी ज़्यादा मतलब ये भी बहुत प्यारा बैग है, दिखाती हूँ मैं आपको नेक्स्ट बैग। और ये है मेरा नेक्स्ट एंड लास्ट बैग, मेरे पास इतने ही बैग थे जो मैंने आपको दिखा दिए। तो ये भी अभी मैंने न्यू लिया है, इसका भी टैग नहीं निकला है। तो मुझे बैग्स बहुत पसंद है, मैं लेती रहती हूँ और काफ़ी बैग मेरे ख़राब भी हो गए हैं तो जिनको मैंने हटा दिया है मतलब फेंक दिया है। तो ये मैंने लिया है अभी न्यू बैग क्योंकि मार्केट वगैरह जाते हैं तो ऐसे बैग जरूर होने चाहिए हमारे कलेक्शन में क्योंकि ये मार्केट ले जाने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत ईजी मतलब हमारा इसमें सामान भी बन जाता है और इजीली ये हम इसे कैरी भी हो जाते हैं। इसमें भी एक कुछ ऐसा बेल्ट है जिससे ये हमारे कैरी हो जाते हैं आराम से। और यहाँ पे मैं इसको खोल के दिखाती हूँ, इसमें हमारी दो चैन है जिसमें काफ़ी स्पेस है, एक ये है और इस एक हमें इसमें पीछे भी चैन मिल जाएगी जो कि काफ़ी अच्छा, और एक यहाँ पर ये बंद करने के लिए भी लगा है कि अगर हम हाथ में भी लेना चाहें तो हाथ में भी ले सकते हैं और इसको टांगना भी चाहें तो टांग भी सकते हैं, तो इसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं। तो गाइस मेरे पास इतने ही बैग थे जो कि मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया है, मैंने अपना बैग कलेक्शन पर्स कलेक्शन दिखा दिया है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा पर्स कलेक्शन बहुत अच्छा लगा हो।
तो अगर आपको मेरा ये पर्स कलेक्शन अच्छा लगा हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और बहुत सारा अपना प्यार देना। तो आपको मैं ऐसे ही अपना कलेक्शन दिखाती रहूंगी, ऐसे ही वीडियो शेयर करती रहूंगी। तो होप करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।